सरकारी नौकरी का झांसा देकर बेरोजगारों से 35,48,000 रुपए ठगने का मामला उजागर हुआ है। ठगों का यह गिरोह अंतर्राज्यीय स्तर पर सक्रिय है। साइबर टीम इसकी जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन 2 वर्ष बाद भी आरोपी पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। नौकरी नहीं मिलने पर बेरोजगारों ने क्रिस्टा के कार्यालय में हंगामा करना शुरू किया और पुलिस में शिकायत करने की धमकी दी, तो आरोपी दफ्तर को ताला लगाकर भाग गए। बेल्तोरेडी थाने में प्रकरण दर्ज कर इसकी जांच अपराध शाखा की साइबर सेल को सौंपी गई है। मनीष नगर निवासी यारामिली व्यंकटा, सत्या, श्याम सुंदर, वीरा प्रसाद राव यारामिली और उसके साथियों ने क्रिस्टा टेक्नोलॉजी नाम से जॉब प्लेसमेंट दफ्तर शुरू किया था। कुछ स्थानीय अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित कर उसमें बेरोजगारों के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर होने का झांसा दिया था। विज्ञापन से प्रभावित खापरखेड़ा निवासी निखिल महेंद्र सहारी और उसके परिचितों के अलावा अन्य युवाओं ने भी नौकरी के लिए क्रिस्टा के दफ्तर में संपर्क किया था। जी सही बोला आपने, क्रिस्ट टेक्नोलॉजी नाम का एक एरिया, इसके नाम से जॉब प्लेसमेंट का एजेंसी था, उसके तहत लोगों को जॉब दिलाने के झूठे आमिष देके ये शूटिंग हुआ है। अब ये बेलतरुड़ी में इन्वेस्टिगेट रजिस्ट्रेशन होने के बाद इन्वेस्टिगेशन जब साइबर पोल्यूशन में आया तब हमारे एपीआई मिस्टर केशव वाघ ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया है। इसमें 2 एक्यूज मिस्टर अक्षय और अशोक कुमार अग्रवाल और हिमांशु प्रकाश बागवानी ये अरेस्ट हो चुके हैं। जो इनका मास्टरमाइंड है यारामिली वेंकट सत्या श्याम सुंदर सन ऑफ वीरा प्रसाद राव यारामिली, ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का है। एपीआई मिस्टर वाघ और उनकी टीम वहाँ पे जाके आई है, बट वो अभी एब्सकॉन्डेड है और ये भी पता चला है कि ही इज़ हैबिचुअल, उसके खिलाफ वैसा भी कुछ रिकॉर्ड वहाँ पे क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तो इस केस में आरोपी अरेस्ट है, इन्वेस्टिगेशन चालू है और होपफुली जल्दी हम मास्टरमाइंड को अरेस्ट करेंगे। काफ़ी लोगों को इसमें चीटिंग हुआ है और वो अमाउंट भी काफ़ी बड़ा है और इट सीम दैट ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम माफिया है जो कि इसमें काम कर रहा है, तो होपफुली जल्दी हम इनको अरेस्ट करेंगे। करीब 1 करोड़ के आसपास है। प्रकरण की तार आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से जुड़े हैं। पुलिस का एक दल आरोपियों की तलाश में वहां पर भी गया था, लेकिन घटना के 2 साल बाद भी आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिल सका है। निरीक्षक केशव वाघ मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख, BC News नागपुर।